यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किंग बाबर आजम ने कमाल करके दिखाए है। किंग बाबर आजम ने न्यूजीलैंड की सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पुराने कप्तान बाबर आजम ने आज कल T20 मैच में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया है। बाबर आजम ने 146 साल रिकॉर्ड तोड़ डाले है न्यूजीलैंड की सरजमीन पर और न्यूजीलैंड की सरजमीन पर कमाल करके दिखाए बाबर आजम ने। किंग बाबर आजम ने कमाल करके दिखाए। बाबर आजम ने कौन सा कमाल करके दिखाए, कौन सा 146 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले गिरफ्त का आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटे को जरूर दबाए। अगर आप लोग सच्चे बाबर आजम के फैन हो तो कमेंट में किंग बाबर आजम लिख के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के T20 मैच के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन शिकस्त के बावजूद बाबर आजम ने पाकिस्तानियों के दिल जीते, बाबर आजम ने कमाल करके दिखाए। बाबर आजम ने 146 साल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड की सरजमीन पर पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गया, बल्कि दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया जिसने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए T20 मैच में, जहां पर बाबर आजम ने 3 कंसेक्यूटिव 50 भी बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ। तीसरे T20 में भी 50 बनाए और बाबर आजम ने कमाल करके दिखाई न्यूजीलैंड की सरजमीन पर और न्यूजीलैंड की बॉलर की खूब धुलाई कर दी है बाबर आजम।